हम तुम्हारे साथ हैं। राम सिंह भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम सिंह भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हेलो हेलो, मेरा 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 सम्मानित मंडल कार्यकारिणी और मेरे जनपद कार्यकारिणी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप यहाँ आए। ऊपर मेरे जनपद कार्यकारिणी से सम्मानित अपने अध्यक्ष मंत्री, जिनके दम पे ये इतना विशाल कार्यक्रम सफल हुआ। मेरे ब्लॉक के कार्यकारिणी, संभव नहीं होगा कि सभी यहाँ ऊपर आ जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप सभी के दम पर आज मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के संगठन के रूप में राजकीय शिक्षक संगठन ने एक इतिहास रचा है। तो मेरे निवेदन सभी अपने जनपद कार्यकारिणी अध्यक्ष मंत्री और मंडल कार्यकारिणी के अध्यक्ष, गढ़वाल मंडल के आदरणीय श्याम सिंह सरयाल जी, कुमाऊं मंडल के आदरणीय मारतोले जी और रविशंकर जी, और जनपद मेरे 13 जनपदों के अध्यक्ष मंत्री, मेरे 13 जनपदों के अध्यक्ष मंत्री, हमारे संरक्षक जी भी कहीं होंगे तो उनसे भी आग्रह, मेरा निवेदन रहेगा साथियों से, प्लीज थोड़ा पदाधिकारी को स्थान दे। देखो कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपको यहाँ लाने तक पहुँचाने तक इन्होंने बहुत काम किया है, तो थोड़ा पदाधिकारी को प्लीज मेरा निवेदन रहेगा आपसे, मेरे दोनों मंडल कार्यकारिणी सम्मानित पदाधिकारी, मेरे जनपद कार्यकारिणी के सम्मानित, आप स्थान देखो, देखो अपने कार्यकारिणी को सम्मान दोगे तो निश्चित रूप से जी जान से जुटकर आपके लिए काम करेंगे। चले अब बहुत सारे साथी, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, इन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर आपका आया हूँ। मेरे उत्तराखंड के मेरे बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जुझारू मेरे प्रांतीय महामंत्री सरदेव पैनोली जी, मेरे बहुत ही ऊर्जावान साथी मेरे प्रांतीय उपाध्यक्ष जी चौधरी जी, मेरे बहुत ही देखो बेचारे कहीं, देखो ये बहुत बड़ी बात है, इसे कहते समर्पण कहते हैं कि केवल आगे रहना ही चेहरा दिखाना बड़ी बात नहीं है। मेरे संयुक्त मंत्री जगदीश जी, मेरे लक्ष्मण जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और कोई स्थान नहीं है, मेरे कोषाध्यक्ष सम्मानित कोषाध्यक्ष लक्ष्मण वीर जी, मेरे कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष बहुत ही श्रद्धेय डॉक्टर मारतुले जी, और बहुत ही ऊर्जावान साथी मेरा अनुज कुमाऊं मंडल मंत्री रविशंकर गोसाई, मेरी बहुत ही सम्मानित कुमाऊं मंडल की जो समस्त कार्यकारिणी है जिनके सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे 13 जनपदों के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष और मंत्री और उनकी बहुत ही सम्मानित कार्यकारिणी, मेरे 95 ब्लॉकों के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित मंत्री और उनकी संपूर्ण कार्यकारिणी, और हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत, हमारी आवाज और हमारा उत्साह, जो इस धूप में, इस तपती धूप में इतनी लंबी उसमें अपनी तन्मयता से और अनुशासन से जिसने साथ दिया, मेरा राजकीय शिक्षक संगठन का बहुत ही सम्मानित सदस्य, मेरा बहुत ही सम्मानित सदस्य, और विशेषकर मेरे मातृशक्ति, आपने आज वो ऊर्जा हमें दे दी, मैं अपनी मातृशक्ति को अपने प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से नमन करता हूं, वंदन करता हूं आपका, कि जिस सक्रियता, जो सक्रियता आपकी रही और जो ऊर्जा आपने अपनी प्रांतीय कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, जनपद कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी के दी, निसंदेह ये आज राजकीय शिक्षक संगठन के इतिहास में नया इतिहास रचेगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। मैं मेरे जितने भी बहुत सारे मेरे पूर्व पदाधिकारी हैं, मेरे बहुत सारे सम्मानित पूर्व पदाधिकारी हैं, मैं तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आपने अमूल्य सहयोग अपने प्रांतीय कार्यकारिणी को, मंडल कार्यकारिणी को, जनपद कार्यकारिणी को, ब्लॉक कार्यकारिणी को दी। ये प्रांतीय कार्यकारिणी या मेरी कार्यकारिणी, कोई भी किसी भी स्तर की कार्यकारिणी कभी भी किसी भी प्रकार से आपकी उपेक्षा नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं इस मंच से लेता हूं। मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उत्तराखंड के जो विभिन्न घटक संगठनों के मेरे सम्मानित अध्यक्ष मंत्री हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक संगठन हो, चाहे वो जूनियर शिक्षक संगठन हो, सचिवालय संगठन हो, उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच हो, ये आपका रेड क्रॉस मंच हो, या आपका पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन हो, आपका सचिवालय संगठन हो, आपका मिशन कमीशन हो, आपका माध्यमिक शिक्षक संगठन हो, बहुत सारे संगठन है जो आज आपकी इस रैली में मौजूद नहीं था और जिसका क्या नैतिक समर्थन नहीं,
नैतिक समर्थन की बात ही नहीं, वो शारीरिक रूप से शारीरिक समर्थन भी उनका था, शारीरिक रूप से हमारे बीच उपस्थित थे। ये राजकीय शिक्षक संगठन के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि आज पूरा उत्तराखंड का जो कर्मचारी शिक्षक संगठन है वो आपकी रैली में शामिल था। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की टकटकी आपने है। और मेरे सम्मानित सदस्यों ने, मेरे सम्मानित उत्तराखंड के सदस्यों ने, मेरी मातृशक्ति ने, मेरी शिक्षिका बहनों आज दिखा दिया कि राजकीय शिक्षक संगठन अभी तो शालीन है, अभी तो शालीन है, अपनी सभ्यता का परिचय दे रहा है, लेकिन डॉट 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 वो स्थिति हो जाएगी। मैंने कहा था कि आपकी प्रांतीय कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, जनपद कार्यकारिणी, बिलो कार्यकारिणी, कोई भी कार्यकारिणी ऐसी नहीं है जो किसी सरकार की गोद में बैठ जाए, किसी शासन की गोद में बैठ जाए या किसी विभाग की गोद में बैठ जाए। हम किसी की गोद में नहीं बैठेंगे, हम किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति नहीं है, हम सरकारी शिक्षक है और हम इन सदस्यों के प्रतिनिधि है जिनका इतना अथाह विश्वास किसमें, अपने संगठन पे है। हम किसी भी सरकार के आदमी नहीं, जो हमारा कार्य करेगा हम उसके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और जो हमारी उपेक्षा करेगा अभी हम उसका मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। इसलिए अभी तो हमने जागरण रैली है, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ साथियों कि मेरी कोई भी कार्यकारिणी ब्लॉक, जनपद, मंडल, प्रांत, कोई भी किसी भी सरकार की गोद में बैठने वाली कार्यकारिणी नहीं है। यार इन्होंने अपने देख लिया, इन्होंने अपनी एकजुटता से दिखा दिया, इन्होंने एक छोटी सी कॉल पर अपने प्रांत पर जितने उत्साह से काम किया, मैं इन लोगों ने धन्यवाद भी नहीं दिया। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, मेरे जिन समस्त कार्यकारिणियों ने जिस उत्साह, जिस मनोयोग से इस भीड़ को यहाँ पर लाए, इसका उत्साह बढ़ाया, अपने शिक्षकों का विश्वास जीता, मैं दावे के साथ कह रहा साथियों, देखो हम ऐसा नहीं कि हम आंदोलन में ही है, कल तक कल भी मेयर मंत्री जी कहीं ना कहीं उस संदर्भ में वार्ता के क्रम में बहुत सारे, चाहे सचिव स्तर हो, चाहे मुख्यमंत्री जी क्या हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी की हो, कहीं ना कहीं वार्ता का क्रम जारी है। अगर ईश्वर ने चाहा सब कुछ ठीक रहा तो देखना दो दिन के अंदर, दो दिन के अंदर आपके बहुत सारे साथ आदेश जारी होंगे। और मैंने कहा था कि हम तब तक आपके पीछे दौड़ेंगे जब तक आप हमारी बात सुनेंगे, लेकिन खाली लॉलीपॉप पकड़ाकर, घोषणाओं का जूस पिलाकर या घोषणाओं की टॉपी खिलाकर हम मानने वाले नहीं है। अगर हम बहुत विश्वास, अगर इस हफ्ते बहुत एक ही हफ्ते का टाइम है, अगर इस हफ्ते हमारी जो मांगे हैं, जो माननीय मंत्री जी ने जिनकी घोषणा की है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से हमारी ब्लॉक और जनपद कार्यकारिणी, जनपद मुख्यालय को बंद कर देंगे, उसके बाद मंडल कार्यकारिणी, मंडल मुख्यालय को बंद। आपको अब अभी नहीं झोंकेंगे हम, आपका केवल आज था, आपको बहुत अति हो गई तब आपको बुलाएंगे। और हम निश्चित रूप से, हमने कहा है, हमने एक नया मैसेज इन्हें दिया है कि हम छात्र हित को किसी भी दशा में प्रभावित नहीं होने देंगे। और मेरा शिक्षक, जिस शिक्षक को है, इनकी स्थिति देखो, मैं आपको बहुत स्पष्ट मन से बता दूं, सरकार उतनी खराब नहीं है, शासन भी उतना खराब नहीं है, अगर कोई निकम्मा है तो निदेशालय में बैठे हुए अधिकारी है जिन्होंने जिसने विभाग का बेड़ा गर्क कर दिया है, जो दिन पूरे कर रहे हैं यहाँ पे, केवल दिन काट रहे हैं, खोखो में बैठ के चार भाषण कर रहे हैं कि अध्यक्ष हमें अनशन बोलता है गाली, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, अगर नहीं बोला तो मैं बंद कर दूंगा अंदर, इन्हें धक्के मार के भगा दूंगा यहाँ से। इन्हें किसी को कोई अधिकार नहीं है, जो शिक्षक क्यों जा रहे हैं शिक्षक कोर्ट, क्यों जा रहे हैं शिक्षक कोर्ट, क्यों इन्होंने बात किया, इन्होंने शिक्षकों से कभी बात ही नहीं की, इन्होंने बात करने का प्रयास ही नहीं किया शिक्षकों से, क्यों उसे खुशी नहीं कि अपने पैसे फूक के कोर्ट जा रहा है। आज जो चीजें दे रहे हैं, अगर 5 साल पहले होते थे तो मैं समझता हूँ हमारी पदोन्नति 5 साल पहले हो जाती। आज जिस तरह आदेश साजिश के तहत रोज इन्होंने प्रपंच रचे कि शिक्षक कहाँ नहीं आ सके, लेकिन मुझे गर्व है, मैंने कहा था कि एक दिन मेरा राजकीय शिक्षक संगठन का प्रत्येक सदस्य अपने पे गर्व करेगा, मैं राजकीय शिक्षक संगठन का सदस्य हूँ और आपकी कार्यकारिणी भी गर्व करेंगे कि हम ऐसे सदस्यों के पदाधिकारी हैं जिन्होंने छल और प्रपंच करने वालों ने बहुत सारे छल प्रपंच किए, लेकिन वो आपको नहीं रोक सके। मैं हृदय की गहराई से सभी कार्यकारिणियों की ओर से आपका तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग अभी भी तो सरकार के डाके बने हुए, सरकार के मैसेंजर बने हुए हैं, जो शिक्षकों के प्रतिनिधि कमी और सरकार के प्रतिनिधि ज्यादा देखते हैं, मेरे अंतिम चेतावनी उनको है, अगर राजकीय शिक्षक संगठन में रहना है तो राजकीय शिक्षक संगठन के कार्य कानून से रहना पड़ेगा, जो राजकीय शिक्षक संगठन के कार्य कानून से रहेगा निश्चित रूप से हम उसे पार का रास्ता भी दिखा देंगे।
हमें कोई गुराज नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। अभी स्वागत है, कोई भी पूर्व पदाधिकारी हो वर्तमान, हम सम्मान करते हैं, हम कभी भी आपकी उपेक्षा नहीं करेंगे, कभी भी किसी तरह का, जहाँ होगा जहाँ हम आंदोलन करेंगे, आपका समर्थन लेंगे, आपको मंच भी देंगे, लेकिन आपको भी हमें निश्चित रूप से एक आश्वासन देना होगा कि आप संगठन के पदाधिकारी बन के रहे, न कि सरकार के पदाधिकारी बन के रहे। साथियों बहुत ज्यादा धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत जोर भी जाना है, मैं उपाध्यक्ष जी भी बहुत संक्षेप शब्दों में, क्योंकि पहले बोल देते हो ज्यादा।